आपका नाम? मेरा नाम विशाल सिंह है। विशाल सिंह जी, आप क्या करते हैं? मैं इस डिपार्टमेंट में LDC की पोस्ट पे लगा हुआ हूँ। LDC की? हाँ जी। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन, मैं ग्रेजुएशन परस्यूइंग कर रहा हूँ अपनी। आप मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ जी, मैं कर रहा हूँ अपनी ग्रेजुएशन। तो जब आपको निकाल दिया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी सर, अभी हमें दरअसल निकाला दिए ये, पर हमारे जो साथ ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट वाले, इन्हें निकाला जा रहा है 64 के 64, इन्हें एक साथ निकाल दिया। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये हमारी सरकार आई थी, हम जब यूथ इस सरकार को वोट देते, इसका मेन मुद्दा क्या था कि ये हमें जॉब देगा, हमें रोज़गार देगा, परमानेंट करे ना करे वो बात की बात है, पहले हमें रोज़गार देगा। हमने इसी लिए भारी मात्रा में हमारे जितने यूथ हैं, इन लोगों को वोट दिया कि यह बंदा हमारी बात सुनेगा, हमारी तकलीफों को समझेगा। आज की डेट में हम सब पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं या फिर कोई भी छोटा मोटा काम क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने घर वालों को देख सके। हाँ, यहाँ पे हर कोई अलग अलग तबके से, अलग अलग सबके घर के हालात है, तो सबको बेसिकली जॉब की ज़रूरत है, तो हम सब जॉब करने आते हैं। और यहाँ ये लोग अपने वादे को तोड़ के ये हमें ऐसे निकाल रहे हैं, हमारे साथ वालों को, तो हम इनके सपोर्ट में आए कि भैया इन्हें बदले को लो और हमारी जॉब का भी कुछ करो सरकार। आप लोग हमारे घर पे आते हो वोट मांगने, जब हाथ जोड़ के हम आपको अपने घर के अंदर बुलाते, बिठा के पानी पिलाते, और हम इनके बाहर घर के बाहर भूखे बैठे हुए, और ये लोग हमें मिलने नहीं आ रहे। ये कैसी सरकार हुई, ये कैसा, हम इनसे इनका बर्ताव जानना चाहते हैं। ये जो अपने आप को इतने बड़े लोग बनते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत बड़े, हम आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, अरे यार तुमसे तो बाहर देखा भी नहीं जा रहा कि आपके घर के बाद 12 दिन से लोग ये सुबह सुबह औरतें अपना घर का काम करके आते हैं, हम लोग अपने घर को छोड़ के आते हैं, काम पे नहीं जा रहे। हम इनसे अपनी दरख्वास्त मांगने जा रहे कि भैया हम काम करना चाह रहे हैं, हमें काम करने दो, शराफत से काम करने दो, हमारा भी घर है। माना हम छोटे हैं, हम पर ये हम ऐसा नहीं कि हम अपना घर नहीं चलाते, हम भी अपना घर चलाते हैं, हमें भी अपने घर चलाने के लिए रोज़गार चाहिए, इसलिए हम पढ़ते हैं, इसलिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं यहाँ पर। और ये कैसे कैसी सरकार है ये, जो हमें एक तरफ तो वादा करती चुनाव में आने से पहले कि आपको रोज़गार देंगे, आपको परमानेंट करेंगे, और जब सरकार में आ जाते तो ये हमें ऐसे खदेड़ देते जैसे हम दूध में से मक्खी हो, मिलते भी नहीं हमें, तक मिलने तक नहीं आ रहे। हमारे वोट मांगने के टाइम पर हमारे घर पर हाथ जोड़ के पानी पी के जाते हैं, क्योंकि और इतने बड़े बड़े वादे करते हैं। हम तो बस इतना कह रहे हैं भैया तुम कुछ ना करो, अपनी कई भी बात तो पूरी कर लो यार, अपनी पूरी कहीं भी बात नहीं कर सकते, तुम्हारा फिर बोलने का फ़ायदा क्या, तुम्हारी ये पोस्ट क्या, हमने तुम्हें कुछ जो चुना है क्या सोच के चुना है तुम्हें कि तुम हमारा भला करोगे, भला नहीं करोगे तो एटलीस्ट इंसानियत दिखाओगे। यार आप तो इंसानियत दिखा भी नहीं दे रहे हो, हम जानवर है क्या? जानवर को भी एक तो ये दिया जाता है, चलिए ये जंगल दे दी जाके खा पी ले, हमसे तो तुम्हारा एक जरिए छीन रहे हो। आज की डेट में आपको पता है हमारे केजरीवाल साहब कहते हैं हम आपको एजुकेशन लोन दे रहे हैं, भैया उस लोन को चुकाने के लिए हमें नौकरी तो दे दो, एजुकेशन लोन तो हम बाद में चुकाएंगे, तो कैसे चुकाएं हम, ऐसे सड़कों पे बैठ के लोन चुकाएंगे हम अपना एजुकेशन लोन? बस मैं सरकार से इतना ही कहना है, अपनी कही भी बात मान लो यार, और इतने दिन से आपके घर के बाहर आके बैठे हुए, कुछ तो सुनवाई कर लो हमारी। ये राहुल थे, युवा हैं और इनके समर्थन में आए हैं, और ये भी वहीं नौकरी करते हैं, और ये इनको हिम्मत देने के लिए, युवा लड़के हैं, युवा नौकरी कर रहे हैं और इनको भी अपना खतरा बन चुका है, इसीलिए हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी नौकरी पे वापस ले लिया जाए।